सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जस्ट। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप अपने टेक्स्ट बार को अनलॉक कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि अगर गलती से अगर आप अपने कंप्यूटर की सेटिंग को छेड़छाड़ कर दिया तो अगर उसी में दोस्तों अगर आपने टेक्स्ट अपने कंप्यूटर के टेक्स्ट बार को कर दिया है लॉक तो दोस्तों और आप उस पर क्लिक कर रहे हैं हो रहे नहीं ओपन तो कैसे उसे कर सकते हैं अनलॉक। तो इसके लिए आज मैं आपको बताऊंगा क्या है ट्रिक। सबसे पहले दोस्तों अगर ये दोस्तों हमारा टेक्स्ट बार जब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारे कंप्यूटर में जितने भी एप्लीकेशन होते हैं और उससे जुड़ा जितना भी चीज़ है हमारे सामने आ जाता है। और दोस्तों इसी को अगर कर दिया है आपने लॉक तो कैसे कर सकते हैं उसे अनलॉक। सबसे पहले दोस्तों आपको जाना होगा सेटिंग में। सेटिंग दोस्तों जाने के लिए आप सिंपल दोस्तों यहाँ पे टाइप कर सकते हैं सेटिंग्स, नहीं तो सिंपल दोस्तों आप यहाँ पे जाइए और यहाँ पे एक नोटिफिकेशन का आइकन बना होगा यहाँ पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है सेटिंग्स, ऑल सेटिंग्स में, और जाने के बाद दोस्तों आपको जाना है पर्सनलाइजेशन। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है पर्सनलाइजेशन में। उसके बाद यहाँ पे जाना है टेक्स्ट बार में नीचे, और फर्स्ट में दोस्तों आपको ऑप्शन आया होगा टेक्स्ट लॉक द टेक्स्ट बार, ठीक है दोस्तों इसे आपको करना है ऑफ। ठीक है, यहाँ पे इसे आपको करना है ऑफ। दोस्तों ये होगा ऑन तो आपका काम नहीं करेगा, ठीक है इसे करना है आपको ऑफ। और ऑफ करने के बाद दोस्तों आपको करना है अपने कंप्यूटर को एक बार रीस्टार्ट। उसके बाद दोस्तों आपका जो यहाँ टेक्स्ट बार लॉक था वो हो जाएगा अनलॉक और आपका यहाँ जो टेक्स्ट बार ही लगेगा काम करने। तो दोस्तों ये दोस्तों आज का दोस्तों वीडियो, दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों आज मैं इसी के बारे में आपको बताने वाला था और जो मैंने आपको बता दिया। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।